सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। क्या हुआ केदार, तुम सहसा रुक क्यों गए? गुरुदेव, इस गांव में भिक्षा मांगने नहीं जा सकता। केदार, अब तुम एक भिक्षु हो और भिक्षु हर विरोधाभास से ऊपर होता है। वो ये तय नहीं करता कि जो जीवन में आ रहा है वो उसे स्वीकार्य है या नहीं। अभी तू लोगों में रहकर स्थिर और शांत जीवन में जो भी आता है उसे स्वीकार करता है। ये पीता हुआ कल है, इसे मैं छोड़ आया हूं। केदार, बीत गई वो बात गई, अब तुम्हारा पुनर्जन्म एक भिक्षु के रूप में हुआ है। भूतकाल से निर्भीक हो जाओ, अब तुम्हारा जीवन इस समय इसी दिशा में है। और केदार, भिक्षा हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मांगते, बल्कि साधारण लोगों के रूपांतरण का यह शुभ अवसर हमारे पास आता है। आओ। ओम भगवते भिक्षाम देहि। क्या हुआ पुत्री? तुम कपटी निर्लज्ज, तेरा साहस कैसे हुआ केदार? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में आने की? आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा केदार। ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक भिक्षु है। भिक्षु नहीं है ये, मेरी बेटी का फूटा हुआ भाग्य है। ये गत वर्ष इसने मेरी पुत्री से विवाह किया और अब भिक्षु बन गया। भिक्षु बने ये और सारी मुसीबतें सहन करे मेरी पुत्री। इसके माँ बाप ने सारे दोष मेरी पुत्री पर मढ़ दिए और यहाँ मरने छोड़ गए। नाश कर दिया इसने मेरी पुत्री का जीवन। तुझे अगर भिक्षु ही बनना था तो विवाह क्यों किया? जब मैंने विवाह किया मुझे मुक्ति के मार्ग की कोई जानकारी नहीं थी। जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। फिर मुझे बुद्ध के उपदेश सुनने का सुअवसर मिला और मेरे गुरुदेव ने मुझे भिक्षु बनाकर दीक्षा दी। तो इसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट की या सद्बुद्धि? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तू अपने उत्तरदायित्व से भाग खड़ा हुआ भगौड़े डरपोक, तुझे वो दुखदायी लगने लगी। संसार छोड़ा इसने, सुखों का त्याग किया इसने, मोह माया काम क्रोध इन सभी का परित्याग किया, और फिर भी आपको ये डरपोक लग रहा? और नहीं तो क्या? नहीं, ये साहसी है। संसार में चारों ओर फैले माया जाल को तोड़कर ये मुक्ति की ओर बढ़ा, इसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है जी। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और विचारिए, यदि ये आपकी पुत्री के साथ रहता तो उसे हमेशा दुखी देता। कम से कम
आपकी पुत्री को उन दुखों से तो मुक्ति मिली। ये सब उल्टी सीधी बातें तुमने इसे सिखाई है, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं, ये मोगराना है, इनकी वाणी से कितने बड़े भूले भटकों को राह मिली है। कृपा कर आप जाइए यहाँ से। मेरी पुत्री का संसार उजाड़ने वाले तू भी इस संसार में नहीं रहेगा। लाइए बुद्ध, आप हर दिन भिक्षा टन करने जाते हैं, हर दिन उपदेश देते हैं, आपकी आयु अधिक हो चली है, आप एक स्थान पे बैठ साधना करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इन सारे भिक्षों का नेतृत्व अब किसी और के हाथों में सौंपा जाए? मुझे उसकी चिंता नहीं आनंद, मेरे खोजे हुए मार्ग पर मेरा दाहिना और बाहिना पैर मेरे साथ चल रहा है और वही सबको सामंजस्य से एक साथ लेकर चलेंगे मेरे मुक्ति के मार्ग पर। सर्वप्रथम चलने वाले वही दोनों होंगे, एक मेरा सेनापति सारिपुत्र और दूसरा मुगलाना स्पष्ट निडर। मेरा दायां पैर सारिपुत्ता है आनंद, और मेरा बायां पैर मुगलाना। बुद्ध, आराम से बुद्ध। गुरुदेव, मुगलाना मुगलाना हमारे बीच में नहीं रहे गुरुदेव। मुगलाना के अंतिम संस्कार के लिए मैं चाहूंगा। अनिच्छावत संकार। मुगलाना ने संघ की बहुत सेवा की, उन्हें अश्रुओं से विदा ना कर। मुगलाना इस ज्वाला के समान निडर थे, साहसी और स्पष्ट वक्ता थे। मुगलाना के जीवन से आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। मुगलाना जैसे ज्ञानी कभी नहीं मरते, अपितु एक ऊर्जावान सदैव हमारे साथ रहते हैं। मुगलाना की अस्थियों पर एक स्तूप बनाया जाएगा, जिससे आने वाले काल में भी उनकी स्मृति अमिट रहे। अरे बुधा गए। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। आइए आइए,
इस पेड़ के नीचे कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए, आइए ना विश्राम कीजिए, आइए। जी बुद्ध, थोड़ी देर यहाँ विश्राम कीजिए, कृपया उपदेश मत दीजिएगा, आप पहले से ही थके हुए हैं। आनंद, परम सत्य का ज्ञान आकाश में नहीं मनुष्य के हृदय में होता है। क्या आप सभी पंचशील का पालन करते हैं? हाँ। तो आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि अपनों से छोटों से हम निर्मलता का व्यवहार रखेंगे, अपनों से जो वृद्ध हैं उनसे दया का भाव रखेंगे, जो प्रयत्नशील हैं उनसे सहानुभूति का भाव रखेंगे, और जो निर्बल है चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो उससे उदारता का भाव रखेंगे। ध्यान रहे हमारे जीवन में कभी ना कभी ये सभी दशाएं आती हैं। प्रभु, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी नीच व्यवहार और प्रवृत्ति में वापस गिर जाते हैं। यदि ये भाव आपके अंतर में आया और फिर भी आप नीच प्रवृत्तियों में गिरे तो स्वयं ही संभल जाएंगे। जो हम हैं वो केवल विचारों के कारण ही हैं। यदि हम बुरा सोचेंगे तो हमारे कर्म भी बुरे बनेंगे और दुख हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगा। जैसे बैल के पग रखते ही बैलगाड़ी उसी दिशा में घसीटती जाती है, और यदि हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और सुख सदैव हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगा। यदि जीवन का निचोड़ कुछ और हो तो क्या होगा महात्मा? अंत में तीन बातें ही महत्वपूर्ण हैं। पहली, क्या हम सह हृदय से प्रेम कर सकते हैं? दूसरी, क्या हम पूर्णतः जी सकते हैं? और तीसरी, क्या हम गहराई में जाकर सब कुछ छोड़ सकते हैं? बुद्ध, नालागांव से समीर चंद गुरुदेव शरीपुत्र का समाचार लेकर आए हैं। हम सभी के जीवन का लक्ष्य है जीवन के लक्ष्य को ढूंढना, और वो मार्ग मिलते ही उसके लिए पूर्ण हृदय और आत्मा से स्वयं को समर्पित कर देना। शरीपुत्र का क्या समाचार लाए हो शमनीर चंद? गुरुदेव, शरीपुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए बुद्ध। नाला पहुंचकर गुरुदेव अपनी माता की सेवा में दिन रात लगे रहे, किंतु उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने निर्वाण लेने का निश्चय किया और मुझे बुलाकर कहा कि मेरे निर्वाण लेने के पश्चात मेरे अस्थियों का कलश, मेरा भिक्षा पात्र और मेरा भिक्षु का वस्त्र आपको भेंट कर दिया जाए। गुरुदेव साहिब ने मुझसे कहा था कि बुद्ध संसार छोड़ेंगे उसके पहले मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगा। बुद्ध, जब मैंने शरीपुत्र के निर्वाण का समाचार सुना तो इतना गहरा आघात हुआ कि लगा मुझे लकवा मार गया है। मेरे मन में धुआं सा भर गया, इतनी गहन क्षति पहुंची। आनंद, क्या शरीपुत्र अपनी मृत्यु के साथ
तुम्हारे नीति वचन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी स्वतंत्रता, सब कुछ ले गए। नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं। जब सारिपुत्र जीवित थे तो वो धर्म को पूर्णतः जिए। उन्होंने सब भिक्षुओं को दिशा दिखाई, सिखाया, प्रोत्साहन दिया। अब मुगलाना और सारिपुत्र के जाने के पश्चात पूरा संघ सूना हो गया। आप दिखाते नहीं पर अंतर से कैसे दुखी ना होंगे। तुम भूल गए आनंद। याद है मैंने तुमसे कहा था, जन्म के साथ मृत्यु छाया के समान आती है। जो मिले हैं वो बिछड़ेंगे। सभी धर्म नश्वर हैं, उनसे लगाव मत रखना। जन्म, मृत्यु, अस्त होना, उदय होना, इन सब से तुम्हें ऊपर उठना है। सारिपुत्र एक महान शाखा के समान थे। उन्होंने पूर्ण कर्तव्य निष्ठ हो संपूर्ण वृक्ष का पोषण किया। वो शाखा उस वृक्ष से अभी भी जुड़ी है। वो वृक्ष भिक्षुओं का संघ जो परम ज्ञान को साध रहा, छन छन में बांट रहा है। आनंद, अपनी आंखें खोलोगे तो पाओगे सारिपुत्र इन वृक्षों में, चांद में, उन मनुष्यों में जिसे उन्होंने शिक्षा दी है, तथागत में जिस राह वो गए हैं उसके कण कण में जीवांत हैं। ये मत सोचो कि सारिपुत्र हमें छोड़कर चले गए, वो सदैव हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भिक्षुओं, सारिपुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए। आज मैं तुम सबसे कहता हूं, अपो दीपो भवे, अपना दीपक स्वयं बन। स्वयं पर विजय प्राप्त करना असंख्य युद्धों पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक है, और वो विजय सिर्फ तुम्हारी है। उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना देवता, ना दैत्य, ना स्वर्ग, ना ही नरक। आज आपने आने में बहुत देर लगा दी। आनंद, आज मैं वन के हर एक वृक्ष से भेंट करके आया। हर एक वृक्ष में मैंने सारिपुत्र की छवि को देखा। Oh.
तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं प्रश्न होना चाहिए था। इस विशाल गगन में क्या देखते हैं बुद्ध? उन चेहरों को देख रहा हूं जो इस प्रकृति में विलीन हो गए, समा गए अनंत की गोद में। आनंद, अब हम यहां नहीं रहेंगे, हम वैशाली जाएंगे। समीपस्त वन होते हुए दाया और पाया पैर खोने पे भी आपके समान सामंजस्य से चलने वाला कोई ना होगा बुद्ध। मोगलाना और सरीपुत का विराम सह नहीं पा रहे, आप पे क्या बीत रही होगी जो हमसे अधिक करुणामयी, कोमल और पवित्र है। अद्भुत सौंदर्य है वैशाली में, यहाँ के मंदिर भी अभूतपूर्व सुंदरता से चमकते हैं। आनंद, मैं कुछ देर चपला मंदिर में विश्राम कर लेता हूं। कृपया कुछ देर यहां विश्राम कीजिए बुद्ध, मैं भिक्षा ढंग करके आता हूं। पंछी इतने चुप क्यों हो गए? धरती कम बुद्ध बुद्ध ठीक तो होंगे ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अचानक पंछियों का कलरव शांत हो गया और एक अजीब सी चुप्पी हर ओर छा गई।
और फिर धरती बुरी तरह से कंपित हुई। बुध, ये किसी भयंकर प्रलय का संकेत तो नहीं? आनंद, मेरे समीप आकर बैठो। कहिए तथागत। आनंद, मैंने एक निर्णय लिया है। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। तथागत, क्या कहा आपने? मैंने अवश्य ठीक से ना सुना। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? कहिए ये सत्य नहीं है? आप मेरी परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं ना? जो जन्मा है वो अपने बीज के साथ मृत्यु लेकर ही आता है। आनंद, मैं बुद्ध हूं, पर जिस शरीर में हूं वो वृद्ध हो चला है। मैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हूं। इन 80 वर्षों में मैंने कई ऋतुओं को, कई सूर्यों को, कई चंद्रमाओं को खिलते और लुप्त होते देखा, और फिर तुम्हें भी मेरी सेवा करने में कष्ट होता है। नहीं तथागत, मैंने कभी आपसे शिकायत की? कभी आपकी सेवा करते हुए कोई भी भूल चूक हुई? प्रभु, आप देह कैसे त्याग सकते हैं? आप तो करुणामय हैं। आप अपने भिक्षुओं को बीच मैदान में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हम सब पे कृपा कीजिए, हे दयालु, हम सब पे दया कीजिए। आनंद, मेरी ओर देखो। तुम्हें अपने तथागत पर विश्वास है तो फिर यही समझ लो कि जो मेरा निर्णय है वो समय के अनुकूल है। मैं 3 माह पश्चात अपना ये देह त्याग दूंगा। अपने अश्रु पोंछो आनंद, धैर्य धरो। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आनंद, जाओ और जाकर सभी भिक्षुओं को कुठाकार धम्म सभा भवन में एकत्रित करो। मैं अपना अंतिम उपदेश वहीं दूंगा। मुझसे नहीं होगा बुद्ध, मैं हार गया बुद्ध। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावना से मुख मोड़ना। तुम अभी जानते नहीं कि तुम क्या सह सकते हो। इस पद पे आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। आनंद, तुम इस पद पर तब तक नहीं चल सकते हैं जब तक तुम स्वयं वो पथ ना बन जाओ। अवश्य देंगे। आज फिर आपने भिक्षा में मिला हुआ सब कुछ बांट दिया। इन बच्चों को खाते देख
मेरा पेट भर के आनंद। गुरुदेव, आसपास के सारे भिक्षु और भिक्षुणियां महावन के कुठाघर सभा भवन में एकत्रित हो रहे हैं, आप चलेंगे वहां? वैशाली कितनी सुंदर है आनंद, मैं इसे अंतिम बार देख रहा हूं। आनंद, जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली छोड़ नया रूप लेता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भूतकाल को छोड़ते रहना होगा। आज के उपदेश के पश्चात हम पावा की ओर चलेंगे। जो भी सद्धर्म के मार्ग से जुड़ना चाहे, उसके लिए हमारे संघ के द्वार खुले हैं, फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। विशाल नदी की एक अकेली धार बन मैं बह चला था, अब कितनी अनेक धाराएं इस प्रवाह में जुड़ती जा रही है। भगिनी, क्या ये सत्य है कि 3 माह पश्चात बुद्ध वहां परिनिर्वाण लेंगे? हाँ, ये तो उनकी कृपा और करुणा है जो अंतिम बार उपदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बुद्ध के जाने के बाद हमारा जीवन कैसे बीतेगा, ये सोच कर भी मैं कांप उठती हूँ। आज मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनता है। 3 सत्य हैं जिन्हें आपको जन जन तक पहुंचाना है, उदार हृदय, दयालु वचन और सेवा में अर्जित जीवन और करुणा, ये 3 ही मंत्र हैं जो मानवता का नव निर्माण करेंगे। हर प्राणी से करुणा रखना, धनी हो या निर्धन, सबके जीवन में पीड़ा होती, किसी के कम तो किसी के अधिक। मेरे प्रिय भिक्षुओं और भिक्षुनियों, मैंने आज तक जो भी आप सबको सिखाया है, उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, उसे अनुभव करना, सतत अभ्यास करना, स्वयं जांचना और परखना, उसके बाद ही मानवता में बांटना, परम सत्य का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसका बीड़ा आज आप सभी ने उठाया है। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं।
मेरे प्रिय भिक्षुओं और भिक्षुनियों, धर्म नश्वर है। वो जन्म लेते हैं और मृत्यु को विलीन हो जाते हैं। हर क्षण मुक्ति के लिए प्रयास करना। आज से 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। अनिरुद्ध, हम जब भी भिक्षा लेने जाते हैं तो कोई ना कोई अक्षय बुद्ध के विरुद्ध सुनना पड़ता है। बुद्ध तो गजराज की गरिमा से चले और जिन सब ने उन पे मिट्टी फेंकी है, हाथ तो उनके मैले हुए हैं। तुम्हें स्मृति है कि वैशाली के ब्राह्मण का बुद्ध ने कितनी सरलता से उत्तर दिया था। आप विरोधाभास की बात करते हैं, आप पुनर्जन्मों को मानते हैं परंतु आत्मा को ना करते। यदि आत्मा ही ना होगी तो पुनर्जन्म कैसे होगा? सत्य कहा आपने, किंतु इसमें कोई विरोधाभास नहीं। आत्मा के बिना पुनर्जन्म हो सकता है। कैसे? आपने आम का फल देखा है? यदि उसकी गुठली को हम धरती में गाड़ दें तो वो पुनः आम का वृक्ष बन जाती है जिसपे कई आम आते हैं। तो ये आम का पुनर्जन्म हुआ ना? आप निराशावादी हैं। हे आर्य, आपका प्रथम सत्य ये है, सर्वम दुखम दुखम, सब दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। ये निराशावाद नहीं है तो क्या है? सत्य कहा आपने, किंतु प्रथम आर्यक सत्य के पश्चात मैंने दूसरे आर्यक सत्य में कहा, दुख का अंत है। दुख के अंत की बात करने के लिए मैंने दुख की प्रथम बात की। जो मार्ग दुख कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताता हूं, वो मार्ग निराशावादी कैसे हो सकता है? आप संसार को तोड़ने आए हैं, आप युवाओं को भिक्षु बनाते हैं। मैं संसार को तोड़ता नहीं, अपितु संसार के मिथ्या सुख को छोड़ जीवन के स्रोत तक चलने के लिए कहता हूं। इस पथ पर चलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, इस पर केवल महावीर ही चल सकते हैं। इस अथाह संसार में हाथ में भिक्षा पात्र लिए हर क्षण में स्वयं को केंद्रित करना नग्न तलवार की तेज धार पर चलने के समान। यदि कोई पुत्र जागा हुआ ना हो तो वो संभवतः परिवार का कल्याण कर सकता है, परंतु गहरी क्षति पहुंचाने की संभावना अधिक होती है। उसी प्रकार भिक्षु संपूर्ण संसार को अपना परिवार समझते हैं। एक जागा हुआ भिक्षु संपूर्ण संसार का कल्याण ही करेगा। ये सत्य है। आपने दिखाए अहिंसा के मार्ग पे चल, सैनिक रक्षा करने की जगह सन्यासी बन गया है। न्याय करना चाहते हैं पर वो दोषी बन जाते हैं। सत्य कहा आपने, किंतु अहिंसा रूपांतरण है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता, हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है और यही प्रकृति का अटल नियम है। हर मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है और यही भाव आप सबके अंतर में देखेंगे तो हिंसा का परित्याग स्वयं ही आपके अंतर से हो जाएगा। तथागत, आप जानते हैं मुझे इस समय क्या स्मरण हो रहा है? एक बार जब आप उपदेश देने आए
तो आपने कुछ ना कहा, एक शब्द भी नहीं। केवल ताल से एक श्वेत कमल का पुष्प उठा, सारे भिक्षुओं को दिखाया। ताल के कीचड़ से कमल के पुष्प की जड़ें अब भी सनी हुई थी। उसे पुष्प सूत्र कहा गया। हम तो कुछ न समझ पाए, पर महाकश्यप वो आपका संदेश समझ गए। जो शब्दों से कहा जा सकता था वो मैंने भिक्षुओं से कह दिया, और जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था वो मैंने महाकश्यप को सौंप दिया। आनंद, यदि खिले फूलों का चमत्कार ध्यान में अपनी मन की आंखों से देख लिया तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और समझाइए मुनिवर। उस श्वेत कमल के पुष्प ने अपने जीवन की यात्रा का आरंभ पानी के अंतर से किया, फिर वो उगा और बढ़ा, और फिर जल के ऊपर आ स्वतंत्र हो उठा। उसी प्रकार मैंने भी इस संसार से उठ परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त किया। आनंद, हमें पावा की ओर प्रस्थान करना है। हमारे सांसारिक भिक्षु चंद ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया है। हमें जाते जाते उसकी भी इच्छा पूर्ण करनी है। तीन सत्य हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है, उदार हृदय, दयालु वचन, सेवा में अर्जित जीवन और करुणा। यही तीन मंत्र मानवता का नव निर्माण करेंगे।